हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नॉमिनिक्लेचर सीरीज में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नॉमिनिक्लेचर, और वो भी किसका हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अल्काइन का। ठीक है, तो देखिए आईयूपीएसी नॉमिनिक्लेचर्स के लिए मैंने आपको पहले ये बता दिया है कि इसके लिए हमको क्या चाहिए। तो हमें कुछ रूल्स चाहिए, ठीक है, और रूल्स के साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ टर्म्स के बारे में हमें जानना है। और ये सारे रूल्स और ये टर्म्स को तो मैंने डिस्कस कर लिया है, और रूल्स जो है जहाँ जहाँ जैसे जैसे आता है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए, अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n एंड माइनस टू, जहाँ n की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो n की वैल्यू यहाँ से 2 से पुट होता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। यहाँ पे एल्काइन में हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो आना है, और हम जानते हैं कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। तो ये हमारा क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपका क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन। अब जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट कर दूँ, अगर मैं n का वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो इसके लिए जो हमारा अल्काइन मिलेगा वो मिलेगा, सॉरी यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा C2H2। अगर आप यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा C3, और ये क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से n का वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, C4 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। N का वैल्यू अगर आप 5 पुट करते हैं तो C आपका 5 है, और N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब आप इसको कैसे नाम लिखेंगे, इन सभी का कैसे हम लोग नाम लिखेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बात करना होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ, अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में, यानी जो भी आप लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो या कम हो। ज़्यादा है तब भी सही है और कम है तब भी सही है, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए, तो उसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, तभी जाके हम उसका क्या करेंगे, नॉमिनिक्लेचर करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप नंबरिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो नंबरिंग देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो लॉन्गेस्ट, जो आपका लिस्ट नंबर है, ठीक है, वो लिस्ट नंबर आपको किसको जाना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए, हमारे पास ये एक एग्जांपल है। अब देखिए, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो जब इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए क्या, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, कर लिया सेलेक्ट। अब आप यहाँ पे नंबरिंग दीजिए। अब नंबरिंग देते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आपका नंबरिंग किधर से शुरू होना चाहिए, तो आपका नंबरिंग शुरू होना चाहिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को लिस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 के लिए आप वर्ड रूट क्या लिखते हैं, 5 के लिए हम वर्ड रूट लिखते हैं पेंट, और 1 पे क्या है, आइन, तो इसको हम लिखेंगे YNE।
देखिए यहाँ पे जो वाई है इसमें वॉवेल का साउंड है, इसलिए यहाँ पे जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि पेंट के बगल में ए जो आता है, ये जो कब आएगा, जब इसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट आता है। लेकिन यहाँ पे वाई जो है इसमें वॉवेल का साउंड है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आता है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा पेंट वन आइन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी कोई चेन नहीं है, तो आपके पास क्या है, ये स्ट्रेट चेन हो गया। अब नंबरिंग करते हैं। अब देखिए नंबरिंग के लिए हम लिस्ट नंबर किसको देंगे, तो लिस्ट नंबर हम देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, तो 1 2 3 4 5। अगर आप इधर से देते, अगर आप नंबरिंग किधर से देते, इधर से 1 2 3 4 5, तो ऐसे केस में आप क्या देख रहे हैं कि जो डबल ट्रिपल बॉन्ड का जो नंबरिंग है वो 3 पे है और ये किस पे है जी, 2 पे है। तो हमारा सही वाला कौन सा है, ये वाला हमारा सही वाला है। तो यहाँ पे ये नंबरिंग हमारा गलत है। अब कैसे लिखेंगे इसका नोमेनक्लेचर, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट लिख दीजिए, फिर 2 पे क्या है, आयन है, तो लिख दीजिए YNE। तो क्या बन गया आपका, पेंट 2 आयन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो ये है, ये एग्जांपल है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन हम लेते हैं। तो देखिए ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन में अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम हमेशा किधर से देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 पे क्या आ जाएगा, मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 1 आयन। तो आपका क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन। अब देखिए कुछ कॉमन नेम आपको यहाँ पे जानना है, जैसे आपके पास अगर CH C2H2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हम लिखते हैं एसिटिलीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथाइन, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हो। ये आप लोग याद रखिएगा कि C2H2 को हम लोग जो कॉमन नेम ज़्यादा यूज करते हैं, और ये क्या है, ये आपका है एसीटाइलिन, ठीक है, ये क्या है आपका, एसीटाइलिन। नेक्स्ट देखिए आपके पास है C3H4, इसको आप कैसे लिख सकते हो, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए इसको हम लोग कॉमन नेम में कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं मिथाइल एसिटिलीन, और अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो ये आपका हो जाता है प्रोपाइन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम है। नेक्स्ट देखिए C4H6 है, कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें इसको आप निकाल दो, ये हो गया एसिटिलीन, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इथाइल, तो इसको हम बोलेंगे इथाइल एसिटिलीन। और अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे, तो हमने ऑलरेडी इसका डिस्कस किया है, तो इसको लिखेंगे ब्यूट 1 आयन, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसलिए 4 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे ब्यूट 1 आयन। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जिसको बोल रहे हैं हम लोग C4H6। लिख कैसे सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले में हमने ट्रिपल बॉन्ड को 1 पे रखा था, इसमें हमने ट्रिपल बॉन्ड को 2 पे रखा। तो देखिए ये वाला जो है इसको बोलेंगे हम लोग एसिटिलीन,
तो इसको बोलेंगे मिथाइल और इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल। तो कितने मिथाइल है? दो मिथाइल है, तो डाई मिथाइल एसिटिलीन और इसको बोलेंगे ब्यूट टू आइन। तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया ब्यूट टू आइन। कैसे? 1, 2, 3, 4। अब देखिए कुछ एल्केन के हम कॉमन नेम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन नेम ऑफ एल्केन्स, कुछ एल्केन्स हैं उनके कॉमन नेम आपको जानने चाहिए क्योंकि ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है CH3, आपके पास है CH और इससे एक अटैचमेंट है CH3 की, और इधर है हमारे पास CH2 और इधर है हमारे पास CH3। अब देखिए ये चार, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे चार कार्बन का हम बनाते हैं, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ टोटल कार्बन कितना है? 4 कार्बन है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप देखिएगा तो जब ये जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप इसमें किस पोजीशन पे है? 1, 2, 3, ठीक है। तो जब चार कार्बन वाले कंपाउंड्स में मिथाइल सेकेंड ग्रुप पे होता है तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। तो ये हमारा हो गया आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्या है आपके पास? है CH3, ठीक है। ऐसे अगर लिख दें हम लोग यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ CH3, ठीक है। तो यहाँ 5 कार्बन है और 5 कार्बन के लिए कॉमन नेम हम लोग यूज करते हैं नियोपेंटेन। क्या यूज करते हैं? नियोपेंटेन, यानी 5 कार्बन के चेन में देखिएगा जब सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। एक और स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है CH3, CH2, CH3, और इधर आपके पास क्या है? CH3, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसो ऑक्टेन, ठीक है। तो ये कुछ जो है पॉइंट, ये अपने को क्या करना है? याद रखना है। अगर आप इनका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हो 2-methyl propane। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिख रहे हो तो 2,2-dimethyl propane, और इसका अगर नोमेनक्लेचर लिखते हो तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको लिखते हैं 2,2,4-trimethylpentane, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम है और ये बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे के सारे जो कॉमन नेम आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक है। दोनों यहाँ पे IUPAC नेम भी लिख दिया गया है और कॉमन नेम भी लिख दिया गया। तो आज हमने डिस्कस कर लिया एल्कीन को और साथ ही साथ हमने डिस्कस कर लिया
कॉमन नेम ऑफ एल्केन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे।